वीडियो के माध्यम से सात ऐसी चीज़ों के बारे में बताऊंगा या ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बताऊंगा जिससे अपनी वेबसाइट या अपने ब्लॉग को आप मोनेटाइज कर सकते हैं और उससे अर्निंग कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना समय गवाए। सबसे पहले पीपीसी एड्स के माध्यम से आप अपनी वेबसाइट को या अपने ब्लॉग को मोनेटाइज कर सकते हैं और पीपीसी एड्स से इनकम कर सकते हैं। पीपीसी एड्स क्या होती हैं? पीपीसी की फुल फॉर्म होती है पे पर क्लिक। ऐसे एडवर्टाइजमेंट जो हर क्लिक पर आपको पैसे देती है, मतलब उन्होंने आपकी वेबसाइट पर एडवर्टाइजमेंट चलाया और जितने भी आपके व्यूअर आएंगे और उस पर क्लिक करेंगे तो उसका पैसा आपको मिलेगा क्लिक करने का। और क्लिक डिपेंड करता है सीपीसी, मतलब कॉस्ट पर क्लिक। सीपीसी का मतलब होता है कॉस्ट पर क्लिक, मतलब एक क्लिक पर कितनी कॉस्ट आ रही है, कितने पैसे वो देंगे हमें, ये सीपीसी होती है। तो जितने ज़्यादा क्लिक आएंगे उतना ज़्यादा पैसा मिलेगा। गूगल एडसेंस एक ऐसी कंपनी है जो सीपीसी पर भी काम करती है और आप उसके पीपीसी के लिए काम करती है गूगल एडसेंस भी, तो आप उसके एडवर्टाइजमेंट को अपने ब्लॉग या वेबसाइट पर लगा सकते हैं। दूसरे तरीके की बात करूँगा मैं, CPM एड्स। CPM एड्स क्या होते हैं? कॉस्ट पर थाउजेंड, मतलब कॉस्ट पर थाउजेंड मतलब 1,000 आपकी वेबसाइट पर व्यूअर आएंगे तो हम कितना पेमेंट करेंगे। तो CPM एड्स भी आप लगा सकते हैं। बहुत सारी वेबसाइट्स भी हैं जो अच्छी खासी खासी CPM आपको देखती हैं, 1,000 मतलब ये काउंट करती हैं कि 1,000 क्लिक पे हम आपको इतने रुपए देंगे, तो इनका फिक्स रहता है और चेंज नहीं होता। और बहुत बार ये चेंज भी करती हैं, ये कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है, तो आप वो भी कर सकते हैं इजली। अगला है सीपीए। सीपीए होता है कॉस्ट पर एक्शन, मतलब अगर आप अपनी वेबसाइट पर या अपने ब्लॉग पर एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं तो उस एडवर्टाइजमेंट पर कुछ एक्शन होता है आपके व्यूअर द्वारा। मतलब आप किसी प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं, आपका व्यूअर आया, उसने वो प्रोडक्ट खरीदा, मतलब एक्शन किया उस प्रोडक्ट के लिए, तो आपको उसका कमीशन मिलता है। वो फिक्स कमीशन रहता है आपका, कोई पहले से फिक्स नहीं होता। उसके बाद फोर्थ नंबर पे आते हैं टेक्स्ट लिंक। और टेक्स्ट लिंक की सर्विस तो आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है, बहुत ज़्यादा ही क्लिक आते हैं टेक्स्ट लिंक पर। गूगल एडसेंस भी आपको टेक्स्ट लिंक देती है। टेक्स्ट लिंक्स एड्स होते हैं, ये टेक्स्ट में दिखते हैं, आपके कंटेंट से मैच होते हैं और आप लोग इसे पहचान भी नहीं पाते कि आपकी मैचिंग कंटेंट है, और आपके जो व्यूअर आते हैं उन्हें लगता है कि आपने जो कंटेंट लिखा है उसी का एक आर्टिकल है, लेकिन होते वो एडवर्टाइजमेंट है जिससे क्लिक अच्छे आ जाते हैं और अर्निंग भी अच्छी हो जाती है। RSS फीड्स एड्स होते हैं, आप जानते होंगे। और स्पॉन्सर्ड कंटेंट होते हैं। स्पॉन्सर्ड कंटेंट में क्या होता है, बहुत सारी कंपनियां ऐसी होती हैं जो स्पॉन्सर्ड ऐड देती हैं, स्पॉन्सर्ड वीडियो के एड्स देती हैं, बहुत तरीके के एडवर्टाइजमेंट होते हैं, उनकी भी मैं आगे वीडियो में बात करूँगा और क्लियरली समझाऊँगा कि भाई ये चीज़ें कैसे काम करती हैं, कैसे ब्लॉगिंग में आप इतना कुछ कर सकते हैं। और बहुत सारे वीडियो आपको आने वाली हैं, तो इसके लिए बस आपको एक काम करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और लाइक करना है, शेयर करना है हमारी वीडियोज को, और बेल आइकन को दबा देना जिससे आगे इन्फॉर्मेशन जो मैं देना चाहूँ या दूँ वो आपको जल्दी से मिल जाए। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को ऐसी वीडियो आगे भी पाने के लिए। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।